The information in this video is true and complete to the best of my knowledge. All recommendations are made without guarantee on the part of the vlogger or video creator. The video creator disclaim any liability in connection with the use of this information. The video creator is not associated or affiliated with any of the political parties or news agencies or any third party entity or person. Namaskar dosto. अपने चैनल रॉकी द एक्सप्लोरर में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हूं मैं किलाड़ में। दिन है सोमवार, तारीख है 24 सितंबर। अभी वक्त हो रहे हैं तकरीबन 2:30 बज रहे होंगे दिन के। तो मैं ये वीडियो जो बना रहा हूं ये है लेह की कनेक्टिविटी के ऊपर लेके। मैं एक्चुअली भानी चंद ठाकुर जी से डिस्कस कर रहा था कि मतलब हमारी डिस्कशन चल रही थी कि ले जाने के क्या क्या रास्ते हैं, किस हिसाब से क्या चीज़ें होनी चाहिए। जस्ट एक कॉमन मैन्स डिस्कशन जिसको बोल सकते हैं, आम आदमी की बातचीत। तो भानी चंद ठाकुर जी के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मैं जिस होम स्टे में रह रहा हूँ किलाड़ में, यहाँ पर मैं 2 दिन पहले पहुँचा था, शुक्रवार रात को, जो था 21 सितंबर, क्योंकि मैं अपने ट्रिप पर निकला हूँ। मेरा ट्रिप था स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली टिल खजियार से फिर किश्तवाड़ वाया भदरवा पदरी पास, फिर किश्तवाड़ से किलाड़ से सच पास से वापसी किलाड़। तो ये सब कुछ मैंने शुक्रवार 21 सितंबर तक पूरा कर लिया था। उसके आगे का मेरा प्लान था काजा जाने का, स्पीति वैली, बट यहाँ पे मौसम ख़राब हो गया, बारिश होने लगी, बर्फबारी हुई, जिस वजह से रास्ते बंद हो रखे हैं, हाई माउंटेन पासेस बंद है आज के टाइम पे। तो तभी मैं पिछले 3 दिन से यहीं पर रुका हुआ हूँ। तो यहाँ पे रुके हुए क्या कर सकता था, कुछ नहीं। यहाँ पे पिछले कल शाम से इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो हम आपस में ही बातचीत कर रहे थे। बातचीत करते करते ये टॉपिक उठा, तो मैंने सोचा इसके बारे में एक वीडियो बना लिया जाए, ताकि ये सबको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, किस हिसाब से हमारे देश का भला हो सकता है, या मैं बोलूँ हमारे देश में कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है रिमोट एरियाज में खासकर। तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे भानी चंद ठाकुर जी। अब मैं इनके बारे में आपको बताता हूँ। ये ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी के एक्स मेंबर रह चुके हैं। ये पहले इंसान थे जिन्होंने बीजेपी की शुरुआत करी किल्लड़ पंजी वैली में, और ये ब्लॉक समिति के एक्स चेयरमैन रह चुके हैं। करंटली ये बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं। और मैं अपनी बात करूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी न्यूज़ चैनल मीडिया हाउस किसी के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं एज ए फ्रीलांसर ये चीज़ कर रहा हूँ। सो अगर किसी के कोई भी सवाल हो या किसी को कोई ठेस पहुंचती है, मैं उसके लिए पहले ही क्षमा चाहता हूं। ये सिर्फ मैं लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए कर रहा हूं, मैं कुछ अपने मतलब से नहीं कर रहा। मेरे को ये लगा कि ये चीज़ शेयर करनी चाहिए सबके साथ, तभी मैं ये चीज़ इसके बारे में आज ये वीडियो बना रहा हूं। तो मैं अब भानी चंद ठाकुर जी को बोलूँगा कि इसके बारे में डिटेल में विस्तार से बताए। उससे पहले मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि आप सभी को पता होगा ले जाने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं आज के टाइम पे। एक तो वाया श्रीनगर और एक वाया मनाली, जो कि बाय रोड है, और तीसरा जो है वो है बाय फ्लाइट। बाय फ्लाइट हर कोई जा नहीं सकता, प्रेफर नहीं करता। बाय रोड जो भी मोटर एंथुसियास्ट होते हैं या बाइकर्स होते हैं वो जाते हैं। और ये जो हाईवेज हैं ये पूरे साल भर खुले नहीं रहते। सर्दियों में बर्फबारी की वजह से, हाई ऑल्टीट्यूड पासिस बंद में ज़्यादा बर्फ होने की वजह से ये हाईवेज बंद रहते हैं। तो लेह के लिए जो रोड कनेक्टिविटी है वो 24/7 जिसको बोल सकते हैं पूरे साल भर नहीं रहती। तो इसके लिए इन्होंने ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से भी एक डिस्कशन इनिशिएट कर रखा है, जिसके बारे में हमें डिटेल में बताएंगे। और उसकी डिटेल में अगर बताऊं तो वो होगा पठानकोट से लेह के बीच में हाईवे। वो जितना हमें टाइम श्रीनगर से वाया श्रीनगर लगता है लेह पहुंचने के लिए या वाया मनाली लगता है लेह पहुंचने के लिए, उसका बिल्कुल आधा डिस्टेंस हो जाएगा। तो उसके बारे में आप डिटेल देंगे भानी चंद ठाकुर जी। भानी चंद जी, धन्यवाद, आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया, जिसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया जी। सर, सबसे पहले तो हम इस भारतवासी के नाते हमें हर एक चीज से ऊपर उठकर अपने देश के प्रति चिंतन करना चाहिए। राष्ट्रवाद हमारे भारतीय जनता पार्टी की परिभाषा है, राष्ट्रवाद सर्वोपरि, ये हमारा एक नारा भी है जी। लेकिन जिस विषय में जो आपने मेरे से प्रश्न पूछा, उस विषय में मैं कहना चाहूँगा, मैं 17
अक्टूबर 2015 से इस विषय को प्रधानमंत्री के संदर्भ में माननीय भारतवर्ष के हमारे जागरूक प्रधानमंत्री हैं तथा गडकरी जी, वो भी बहुत जागरूक हमारे मंत्री हैं, हमारे सांसद श्री रामस्वरूप शर्मा जी, वो भी बहुत जागरूक हैं। लेकिन जो कुछ रिजल्ट आज तक मिला, ये नहीं कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ तो हुआ कि जिस वजह से आज ये नेशनल हाईवे हमारा, जब प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और देश में भी है, जिसका फल स्वरूप आज सैद्धांतिक मंजूरी हमारे नेशनल हाईवे की किलार पांगी तक मिल चुकी है, सैद्धांतिक मंजूरी, और जिसकी DPR फाइनल अलॉसमेंट फिजिबिलिटी के लिए भारत सरकार के पास जा चुकी है। और मुझे पूर्ण विश्वास है, हमारा देश का जो राजमार्ग परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, मैं इस विषय में इनसे 7 मई 2015 को मोक्षा होटल धर्मशाला में भी मिला और हर प्रकार से डिस्कशन इस विषय को लेकर किया कि आज चाइना हर क्षेत्र में सड़कें जो हमारे बॉर्डर के नज़दीक तक पहुंचाने में सक्षम हो गया है, लेकिन हम अभी उनसे कोसों दूर हैं। जिसका जीता जागता मिसाल, हमको क्षेत्र बात को छोड़कर लोग हर आज सांसद हो चाहे विधानसभा सदस्य हो, वह अपनी अपने क्षेत्रों की तो चिंतन करते हैं, लेकिन मेरी गुजारिश, जागरूक प्रधानमंत्री, हमारे जागरूक प्रदेश के मुख्यमंत्री, सांसद तथा परिवहन राजमार्ग मंत्री श्री गडकरी जी से अनुरोध है कि हम लोग देश को सर्वोपरि समझकर पहले देश के प्रति चिंतन करें। जिस विषय में मैंने पहला पत्र प्रधानमंत्री जी को 17 अक्टूबर 2015 को लिखा, मेरा सीधा सा सवाल है, हमें किसी क्षेत्र बात की आवश्यकता नहीं है, हम एक अल्टरनेटिव मार्ग का सुझाव दे रहे हैं, पठानकोट से ही हमारे सारे आर्मी की डिप्लॉय ले के लिए होती है, सारा सामान आर्मी का पठानकोट से डिप्लॉयड होता है, फ्यूल अंबाला से डिप्लॉयड होता है, जिसमें हर साल अरबों रुपए का परिवहन खर्चा होता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट का, ट्रांसपोर्ट का, हाँ, जो कि जिसको आधा करने के लिए मैं सुझाव दे रहा हूं, जबकि पठानकोट कुल्लू मनाली होके ले 802 किलोमीटर पड़ता है, जबकि पठानकोट से चंबा पांगी ले 483 किलोमीटर के लगभग पड़ता है। लेकिन हमें बड़ी दुखद विषय हमारे दिमाग में आता है कि हमारे देश के नेताओं की इतनी गलतियां नहीं है जितने कि अधिकारी लोग इसमें अड़चने पैदा करें, क्योंकि वो अपने आराम ऐश प्रस्त को पहले प्राथमिकता देते हैं, देश का चिंतन बाद में करते हैं। जिसका मैं सीधा जागता ये बात कहना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ सर्वे वगैरह करने के लिए थोड़ा पैदल भी चलना पड़ेगा जी। लेकिन लेह के लिए कुल्लू मनाली होके वो 25-25, 30-30 लाख की गाड़ियों में जाकर सर्वे करते हैं, इस जिस वजह से इस देश को भारी नुकसान हो रहा है। नुकसान का कारण क्या, भगवान ना करे कल कारगिल जैसी वारदात दोबारा ना हो जी। चाइना के साथ कोई ऐसी बात ना हो, तो एक, जब मैं कह रहा हूं कि एक दिन में आर्मी हमारे बॉर्डर ले में पहुंचेगी, कारगिल में तो और भी शॉर्टर है, जो श्रीनगर से भी इतना शॉर्ट नहीं है, कुल्लू मनाली से भी इतना शॉर्ट नहीं है, और कम से कम एक बार भारत सरकार को सर्वे तो कराना चाहिए। क्या जो 2015 से मैं बकवास करी जा रहा हूँ, मेरे पास इतने सारे फाइलें तैयार हो गई, कम से कम 200-300 पेज मैंने इकट्ठे कर दिए हैं, सबके जो भी जिसको भी मैं पत्र लिख रहा हूँ
उसका उत्तर मुझे मिल रहा, उसमें फीडबैक दे रहे हैं कि आपका सुझाव बहुत अच्छा है, थ्री स्टार मुझे फीडबैक में दे रहे हैं। अगर ठीक नहीं था तो मुझे वो मार्क्स क्यों दे रहे हैं? अगर ठीक है तो काम क्यों नहीं कर रहे हैं उसमें जी? लेकिन कारण क्या है? हमारे आवाज को संसद में पहुंचाने के लिए सक्षम नहीं है। क्यों? ये क्षेत्र एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, किलाड़ वैली जो एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्र है। इस क्षेत्र में 8000 मेगावाट बिजली का उत्पादन अच्छा सिर्फ इसी वजह से रुका हुआ है, सड़कें न होने के वजह से। देश को 8000 मेगावाट का सिर्फ चंद्रभागा नदी पर ही, मतलब उदयपुर से लेकर गुलाबगढ़ तक, मतलब जल विद्युत परियोजनाओं का काम बंद पड़ा हुआ, जिनको टाटा को अलॉट हुआ था छोड़ दिया, रिलायंस को अलॉट हुआ था छोड़ दिया, आपके मानी तानी कंपनियां इस देश की L&T को अलॉट हुआ तो उन्होंने प्रोजेक्ट छोड़ दिए। क्यों छोड़े? दिस इज द रीजन कि सड़क नहीं है। क्या देश को कनेक्टिविटी सबसे बड़ा कनेक्टिविटी देश को क्या इस चीज से नुकसान नहीं हो रहा? बिजली की कितनी आपूर्ति की आवश्यकता है, ट्रांसमिशन लाइन ले जाने के लिए दिक्कत हो रही है, और हमारे देश के लोग इस तरह को चिंतन नहीं कर रहे। मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा, भारतमाला के अंतर्गत किलाड़ तक तो गडकरी जी का मैं धन्यवाद करता हूं, अपने सांसद का, प्रदेश सरकार का और प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। लेकिन किलाड़ से ले एक शिवशंकर पास में टनल बन जाए, एक पोतरा पास में टनल बन जाए, और ऑल वेदर रोड बन सकता है। सिर्फ 100 किलोमीटर ही, मतलब बीच में हमें ऐसी दिक्कतें आएगी, जो ये टनलें बन जाएंगे हमें ये इन दिक्कतों से वंचित हो जाएंगे। पर हमें तीन टनलें, अगर 9-9 किलोमीटर भी एक टनल की लंबाई होती है, 9-3 27 किलोमीटर टनलें बनेगी, और सड़क की लंबाई 802 किलोमीटर से 400 किलोमीटर 50% कम होगा। पर मुझे बड़े दुख, मैं किसी क्षेत्र की निंदा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन दूसरे रूट से, मैं एक अखबार में भी खबर लगी है, बड़े लेख लिखा हुआ उन्होंने, कौन सी है इसमें लिखा हुआ है उन्होंने कि यह है हिमाचल जागरण। अच्छा हाँ, सुरंगें घटाए के अंतरराष्ट्रीय सीमा की दूरी कितनी? 120 किलोमीटर जी। और यहाँ पर कितने टनलें बनाना चाह रहे हैं? ये 36 किलोमीटर तांगलंगला, चालोंगला, बारालाचा, श्रृंखला। 36 किलोमीटर टनलें बनने के बाद सड़क की लंबाई 802 किलोमीटर में से 120 किलोमीटर ही कम होती है। अच्छा। और इसके अलावा रोहतांग टनल जी, वो टनल पांचवी टनल है, पांच टनल बनने के बाद दूरी कम होती है 120 किलोमीटर। यानी कि आप जो कहना चाह रहे हैं, ये सारा कुछ पठानकोट से बेस्ड है जी। और ये जो अभी टनलों की बात करी जा रही है, ये पठानकोट से मनाली होके वाया किलोंग, किलोंग से फिर आगे सरचू, सरचू से पांग, पांग से फिर ले, ये उस रूट की बात, इस रूट की बात कर रहा हूं। तो जो ये, मतलब जिस रूट का बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके रिगार्डिंग इन्होंने ऑलरेडी प्रपोजल सबमिट किया हुआ है, वो है पठानकोट से चंबा वैली, चंबा वैली से किल्लाड़ यानी पांजी वैली, पांजी वैली से शिवशंकर पास होते हुए पदम, पदम से फिर एक ले, एक रास्ता कारगिल के लिए, एक रास्ता ले सिटी। ले, जी, जी। यहाँ पे अगर, मतलब मैं कंपैरिजन करूँ दोनों रास्तों के बीच में, जो मनाली ले हाईवे है उसके ऊपर पांच टनले बनने के बाद उसका डिस्टेंस पठानकोट से 800 किलोमीटर से कम हो के वो 120 किलोमीटर कम हो जाएगा 800 किलोमीटर में से। हालांकि पठानकोट से जब लेह की तरफ जाते हैं वाया पंजी वैली और चंबा वैली की अगर बात करी जाए, तो सिर्फ तीन टनले बनाने की वजह से 483 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा, जो कि सबके लिए बेनिफिशियल होगा, चाहे वो डिफेंस की बात करी जाए, चाहे वो यहाँ के लोकल एग्रीकल्चर की बात करी जाए, लोकल विलेज कनेक्टिविटी की बात करी जाए। प्लस जैसे इन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया कि यहाँ पे 8000 मेगावाट का पावर जनरेशन की कैपेसिटी है चंद्रभागा नदी पे ही, बट रिमोट कनेक्टिविटी, रिमोट एरिया होने की वजह से कंपनीज यहाँ के टेंडर
प्रोजेक्ट छोड़ देती है, जैसे कि उन्होंने टाटा के बारे में बताया, रिलायंस के बारे में बताया, L&T के बारे में बताया। मैं जब किश्तवाड़ से किला डा रहा था शुक्रवार को, तब मैंने एक प्रोजेक्ट देखा दुल डैम के नाम से, वो L&T बना रहा है किश्तवाड़ में, लेकिन अभी तक उसका काम चल ही रहा है, काम पूरा नहीं हुआ। अब पता नहीं कितना टाइम लगेगा काम पूरा होने में, और अगर उसको छोड़ दिया जाए और बाकी जैसे इन्होंने बताया 8000 मेगावाट का, आप खुद सोचिए कि हमारे देश में जो बिजली की कमी है उसको कितना कितनी कितनी परसेंटेज तक कम किया जा सकता है अगर ये प्रोजेक्ट्स टाइमली बना दिए जाएं। लेकिन वही बात है कि ब्यूरोक्रेसी में हर कोई प्रोजेक्ट फंसा रहता है, कोई आगे बढ़ नहीं पाता। सो इसके मामले में जो इन्होंने लेटर सबमिट करे हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जो इनको PMO से लेटर मिला है एक्नॉलेजमेंट लेटर की, इनका इनकी जो एप्लीकेशन है या जो फाइल है वो आगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को बढ़ा दी गई है, उसके मैं फोटोज इस वीडियो के एंड पे दिखाऊंगा ताकि आपको भरोसा हो कि जो ये चीज़ बात कर रहे हैं वो सच है, कोई झूठ नहीं है। मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बोला कि मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या मीडिया हाउस से कोई एसोसिएशन नहीं है, मैं ये सिर्फ आप लोगों को अवेयर करने के लिए बना रहा हूँ वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है आप जितना चाहे शेयर कर सकते हो, जितना ये शेयर होगा उतना ही आगे जाके लोगों में नॉलेज फैली जाएगी। तो भानीचंद जी, आप इसके मामले में और कोई टिप्पणी करना चाहेंगे जो आप एक्सप्लेन करना चाहते थे, शायद मैंने भी और आपने भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा हो, अगर हमने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं करा तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। बट जब भी अगर आप किल्लड़ आए और आपको इसके बारे में डिटेल चाहिए आप भानीचंद जी से मिल सकते हैं, इनका चंद्रभागा होम स्टे है किल्लड़ में SBI बैंक के जस्ट पास में, और ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। बहुत ही नेक दिल इंसान जिसे मैं बोलूँगा, मैं पिछले 3 दिन से यहाँ पे फंसा हुआ हूँ, या मतलब रुका हुआ हूँ, फंसा हुआ बोलूँ एक ही बात बोलूँ क्योंकि यहाँ पे रास्ते बंद पड़े थे। तो इन्होंने जिस हिसाब से ट्रीटमेंट दिया, ये नहीं कि मैं यूट्यूबर हूँ उस वजह से या मेरे पास कैमरा है, नहीं, कोई सा भी यहाँ पे इंसान आया जिसको मदद की ज़रूरत थी इन्होंने मदद करी। मेरे सामने की बात है, एक का कुछ लोग थे जिनकी गाड़ी आगे फंस रखी थी, उनको चेन वगैरह बाकी इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ी थी, इन्होंने बिना कुछ पूछे उन सबको इक्विपमेंट दे दिए, अभी तक वो इक्विपमेंट वापस आए भी नहीं है। बट ये चलता रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, इनके लिए कोई नहीं, वो फिर से खरीद लेंगे। बट जब किसी को मदद की ज़रूरत थी ये थे, तो जब इनको मदद की ज़रूरत थी हम लोग तो कुछ अपनी तरफ से कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम इस वीडियो को इतना शेयर कर सकते हैं कि गवर्नमेंट को पता चले कि नहीं, हमारी जो जनता है वो भी जागरूक है, वो हाथ पे हाथ धरे रह के बैठने वालों में से नहीं है। तो बानीचंद जी, इसके मामले में और कुछ आप बोलना चाहेंगे, आप और कुछ टिप्पणी? बहुत ज्यादा खबर हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। कहना तो इतना है, आप मुझे 4 घंटे भी बोलने का मौका देंगे, मैं 4 घंटे में भी, मेरे पास एक एक स्टेशन के पॉइंट्स हैं, हमारे ट्रैकर कहाँ रुकते हैं, कैसे हैं, डिस्टेंस कैसे मैंने कलेक्ट किया, ट्रैकरों से ये सारी चीजें ली मैंने, और जो पैदल उस रूट से आए हैं, तो बस इतना ही जो मैंने कहा। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नितिन गडकरी जी से, हमारे मुख्यमंत्री और ऑल पब्लिक, मैं उन लोगों के पास पहुंचे जिनको इस देश के प्रति प्यार, मेरा कोई इस क्षेत्र को सड़क मिले न मिले, हमारा 42-सीटर बस इस क्षेत्र में चल रही है, जनजातीय क्षेत्र है, हमारा हमने पैदल यहाँ पे राशन पहुंचाया, पैदल चले, भेड़ बकरियों में राशन ढोया, हमें उससे ये सुविधा मिल गई, तो हमें तो एक हाईवे के बराबर की सुविधा मानते हैं वो तो है, लेकिन हमें पीड़ा होती है देश के लिए, समझ लो देश सर्वोपरि, देश है, देश का धन ऐसे क्यों बर्बाद कर रहे हैं जी। मतलब जैसे धन की बात करी, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्ट की बात करी जाए, वाया श्रीनगर जाए या वाया मनाली जाया जाए, तो ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा खर्चा आता है एज़ कम्पेयर टू अगर इस रास्ते से जाया जाता है, लेकिन ये रास्ते से अभी जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि रास्ता बना ही नहीं है, योजना ही नहीं है कोई। तो अगर सरकार चाहे तो ये हो सकता है भारतमाला योजना के अंतर्गत, राइट, और 24/7 कनेक्टिविटी रोड ले के लिए हमें मिल सकता है आसानी से, जो हम 5 टनलों के ऊपर पैसा खर्च करने के, जो हमारी गवर्नमेंट 5 टनलों पे पैसा खर्च कर रही है, उसके लिए अलॉट कर चुकी है, तो उसी के अंतर्गत ही एक दूसरा प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया जा सकता है और वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो सकता है इस प्रोजेक्ट इस रूट के अंतर्गत, पठानकोट टू ले वाया चंबा एंड पंजी वैली। अब इसके अलावा मैं सिर्फ ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि
अगर आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करेंगे, अगर कोई सरकारी महकमा या कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंसर्न पर्सन इस वीडियो को देख रहा है, मुझे नहीं पता, मेरा चैनल इतना बड़ा नहीं है कि मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ, बट मैं फिर भी बोल रहा हूँ, अगर कोई देख रहा है तो वो भानी चंद ठाकुर जी को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकता है। इनका फ़ोन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि कोई सा भी सवाल हो, कुछ भी हो, आप इनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, वही कॉन्टैक्ट करें जिनको इसके मतलब काम हो। फालतू में ऐसे फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन लेना, प्लीज़ वैसे कोई कॉन्टैक्ट मत कीजिएगा। नहीं तो फिर मैं अपना ईमेल एड्रेस दे दूंगा, जो मेरे को लगेगा कि हाँ जेन्युइन पर्सन है या जेन्युइन ग्रुप है जो कॉन्टैक्ट करना चाह रहा है, तो मैं भानी चंद जी का नंबर आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। सो इसी नोट पे मैं ये जो वीडियो है जो मैंने पठानकोट लेक हाईवे के लिए स्पेसिफिकली बनाने की कोशिश करी है, इसको मैं समाप्त करूंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा और शेयर इससे जितना करें उतना कम है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हर किसी के पास पहुंचनी चाहिए। अगर नहीं पहुंची है, अगर पहुंची है तो बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात है। और अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। इसी नोट पे इस वीडियो को एंड करता हूँ। शुक्रिया। जय हिंद।